welcome Mr. Rogna. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदः अध्यक्ष पदवीं परिभूषयन्तः श्रीमत् करण सिंह महाभागः, मुख्य निर्देशकः श्रीमत् सुरेश गोयल महाभागः, निर्देशिकाः श्रीमती यामिलाशा जोशी महाभागः, महोमहापाध्याय विदुप्रसाद महाशयाः। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदः विविध पदवी धरन्तः अधिकारिणः महाभागः, लब्धप्रतिष्ठाः विद्वांसः, इमां विद्वत्सभां अलङ्कुर्वन्तः सर्वे सभासदस्याः सुरभारती प्रणय। सीदन्ति मम गात्राणि मुखंज परिशिष्यति न युयुत्सुं परन्तु मम भाषणं सावधानं श्रोतुम् अत्र समुपस्थितान् सर्वान् भवतः दृष्ट्वा कथमपि कतिपयानि वचनानि देववाण्यामेव विवक्षामि अस्मिन् अवसरे। अद्य मम जीवने धन्यतमं दिनमिति मन्ये, यस्मात् एतादृशायां विद्वत्सभायां मध्ये सुरभारती प्रेमीणां मध्ये एतादृशेन उदात्तपुरस्कारेण सम्मानितो अस्मि। प्रथमतः भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदः तथैव जर्मनी देशस्थस्य हैडल्बर्ग विश्वविद्यालयस्य कृते अस्माकं हार्दिकीं कृतज्ञताम् आशास्महे। ते भारतदेशे अनुत्पन्नानां अस्मदृशाणां शिष्याणां सुरभारती प्रेम अभिज्ञाय तस्योत्थापनाय तस्य संवर्धनाय प्रसारणाय च रक्षणाय च विविधान् कार्यक्रमान् संपादयन्ति। तेनैव कारणेन सकल सुरभारती कामिनः उत्तेजयन्ति। यथा भवद्भिः सर्वैः श्रुतमात्र सरस्वती संस्कृत पुरस्कारः इति एषा श्लाघ्या निबन्धनस्पर्धा तत्रत्य कार्यक्रमेषु विशिष्टैका वर्तते। गतवर्षे सरस्वती संस्कृत पुरस्कार निबन्धनस्पर्धायाः वस्तु खलु किमर्थं संस्कृतम् अधीमहे इति समकालीन समाज परिस्थितौ अत्यंत अनुकूल प्रस्ताविक वस्तुतः अस्मदृष्ट्या किमर्थं संस्कृतम् अधीमहे इति न प्रश्नः एव, तत्प्रश्नस्य अप्रस्ताविकता तेन सह प्रश्नाभासः। प्रस्तव्यं तु संस्कृतभाषा अध्ययनस्य अर्थसंभारे सुस्पष्टं विद्यमाने कस्मात् तत् न अधीमहे। जानीमः सर्वे वयं यत् भारतदेशात् बहिरत्र तत्र कथिते संस्कृतभाषा मृतभाषा इति, तस्याः पठनेन पाठनेन वा किमपि प्रयोजनं नास्ति। परन्तु यैः कामदुगा सा सुरभारती मृतभाषा अथवा प्रणष्टजनगमती इति जल्प्यते तादृशाः प्रलापाः तेषां भाषान्तरद्वारा भारतीय ज्ञानभाण्डागारस्य अवगाहनं शक्यं। तस्मात् सुरभारत्याः पठनं पाठनम् अद्य अनावश्यकं। ते पल्लवग्रामिणः आत्मानं मौर्यमेव प्रकटयन्ति। ततः भारतीयसभ्यत्वस्य भविष्यत् अस्मदृष्ट्या संस्कृतेः भविष्यत् सामाजिकसहजीवनस्य भविष्यत् तथैव भारतवर्षजानां समवायस्य भविष्यत् संस्कृतभाषायामेव वर्तते। तस्याः पठनपाठनविधिषु च प्रसारणविधिषु च वर्तते। भारतीयसांस्कृतिकसम्बन्धपरिषदः तथैव संस्कृतभारती राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् इत्यादीनां बहून् कार्यक्रमान् अनुभूय अतीव मोदामहे वयम्। अत्यन्तप्रशंसाः वर्तन्ते ते कार्यक्रमाः यत्र भारतदेशस्य बहवः कीर्ति विश्रुताः सुरभारती मनीषि थल्लजाः एकचित्ती भूत्वा विविध कार्यक्रमैः विविध प्रकारैः शारदां मोदयन्ति। विशेषतः यूरोप अमेरिकादि राज्येषु ग्रीष्मशिबिररूपेण विधीयमानाः सम्भाषणसंस्कृतकक्षाः समादरेण स्वीकृताः विद्यन्ते। वस्तुतः तेषामेव अनुग्रहेण जगतः विविध राज्येषु सुरभारती प्रणयिनः सुरभारती विकासकांक्षिणः संख्या क्रमशः वरीवर्ध्यते इति श्रुतं मया। परिस्थितौ एवं सति संस्कृतभाषायाः समुत्थापनाय संवर्धनाय संरक्षणाय च एतादृशेषु प्रयत्नेषु क्रियमाणेषु कथं न अभिमये संस्कृतभाषां तस्मात् तां कामदुग्रां परित्यज्य अनुपमशक्तिमतीं विहाय भ्रमामः। यदि अस्माकं सर्वेषां हृदये संस्कृतभाषानुरागः दृढं खचितः वर्तते, संस्कृतपठनाशा जाज्वल्यमाना वर्तते, संस्कृतभाषाशास्त्रपाठनकाङ्क्षा तथैव संस्कृतविकासकाङ्क्षा संरक्षणकाङ्क्षा च उद्दीप्ताः सन्ति, संस्कृतस्य भविष्यत् निश्शङ्कमेव भास्वत्तरं भविष्यति इति न सन्देहः। तथापि यावद् वयं सर्वे पुरुषकारेण दैवीव पठनपाठनप्रसारणकार्यान् न कुर्मः न किञ्चित् स्वयं सिद्ध्यति। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां सिद्धान्तम् तेन चिन्तयामः सर्वे वयं यत् सुरभारत्याः कृते मम जीवनम् उपसंहितं भवतु। प्रार्थयामः यत् मम जीवनं सुरभारतीम् अनुजुषतु। भगवत्याः सुरभारत्याः प्रसादेन अस्माकं सर्वेषां जीवनयात्रा कल्याणतरा सुन्दरतरा सौभाग्यवत्तरा च भवतु। परमेश्वरो भवतः सर्वान् आशिषान् युनक्तु इति सम्प्राप्ते मम भाषणमत्र उपसंहरामि। धन्यवादाः। नमो नमः। कितना सुंदर भाषण किया संस्कृत में उन्होंने, और हमारे में से किसी ने समझा नहीं होगा, लेकिन सिर्फ प्रोफेसर वेदव शास्त्री हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं कई वर्ष संस्कृत केंद्रीय संस्कृत बोर्ड का अध्यक्ष रहा, और जब मैं संसद में आया 1967 में, तो उस समय आप हिंदी समझते हैं क्या? आप हिंदी नहीं समझते, हम संस्कृत नहीं समझते। तो मैंने संसदीय संस्कृत परिषद बनाई, उसमें हमने दो सुझाव दिए, दोनों सुझाव अभी तक साकार। एक तो जैसे इन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि संस्कृत मृत भाषा है, इससे ज़्यादा मूर्खता कोई नहीं, बल्कि संस्कृत के कारण हम आज जीवित हैं, तो संस्कृत को मृत भाषा कहना तो कोई मतलब नहीं। तो हमने ये सुझाव दिया कि वार्ता जो खबरें होती हैं वो संस्कृत में बताई जाए, उससे आधुनिक तो कोई चीज़ होती नहीं। तो उस समय से आपने देखा होगा 2 बार दिन के डेली से वक्ति वार्ता 5 मिनट संस्कृत की वार्ता लगाई, जिसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि अधूरतम जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो कुछ हो, वो संस्कृत भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त की जा सकती है। कोई ऐसा आइडिया, ऐसा विचार, ऐसा शब्द नहीं है जो संस्कृत के माध्यम से न अभिव्यक्त किया जा सकता। दूसरा हमने ये कहा कि भी एक संस्कृत दिवस बनाना है। वैसे तो हर एक दिवस भारतवर्ष के लिए संस्कृत दिवस है, लेकिन हमने कहा कि भी एक दिन, और फिर हमने बहुत सोचा और हमने रक्षाबंधन का दिन हमने चुना संस्कृत दिवस ही, क्योंकि इतने वर्ष संस्कृत ने हमारी रक्षा की, अब हमें संस्कृत की रक्षा करनी है, इसलिए रक्षाबंधन के दिन संस्कृत दिवस। तो एक नया उत्सव हमने देश को दिया, संस्कृत दिवस, जो आज तक चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैंने कहा ये 2 बातें कही, और इनको आशीर्वाद तो दे दूँ। आप बैठिए, मेरे से छोटे हैं इसलिए मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ। सरस्वती की तो कृपा इन पर है ही है, सरस्वती कृपा तो इनकी है ही है। महालक्ष्मी की कृपा आपकी होनी चाहिए, उसके लिए मैं एक आशीर्वाद देता हूँ। यासा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तना भी स्तनभरणमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीय लक्ष्मी दिव्य गजेन्द्री मणिगण खचित स्नापिता हे मुकुंभे नित्यं सा पद्महस्ता तव वसतु गृहे सर्व मांगल्य। और इससे पहले कि धन्यवाद करें, वेदव्रत जी आए हुए हैं, आप 2 मिनट शब्द आशीर्वाद दीजिए। ये वयोवृद्ध संस्कृतज्ञ हैं, ज्ञानपीठ के पहली बार संस्कृत में अवार्ड दिया गया इनको, और देश विदेश में इन्होंने संस्कृत का प्रचार किया।